मोबाइल में मैंने अब ऐप इंस्टॉल करने के बाद फिर से वही शो नहीं, मेरा अकाउंट नहीं शो कर रहे, अच्छा, कितना तो कैसे करूं। आपका बाकी है? हाँ 15 किया था, एक 2800 2792 का भरा था। हाँ वो लाखिए तो इसलिए वो अकाउंट मिल ही नहीं रहा है, तो कैसे करूँ क्या करूँ कैसे। नहीं तो आपका अकाउंट मतलब कि बंद कर दिया, ठीक है? हाँ, अकाउंट आपका जो अकाउंट है मनी व्यू पर, आपका अकाउंट बंद कर दिया, तो तो कैसे होगा, मतलब अब नहीं होगा। अब होगा कैसे? और भरना है ना पैसा भी, कितना आपका बाकी था? और 11 या 12 होगा। और नहीं कितना दिन से? मैंने एक भर दिया है, लेकिन अगले 5 को फिर से एक भरना है, तो नहीं हो रहा है। नंबर भी मारा और ईमेल भी मारा, लेकिन नहीं हो रहा है। बट लिख रहा है योर आधार, मतलब योर पैन कार्ड इज प्रोवाइडेड लिख रहा है, लेकिन आ नहीं रहा है भाई। मैं बोल रहा था सर, नहीं तो आपका अकाउंट जो है उस पर से मतलब कि बंद कर दिया, समझ गए, रिमूव हो गया आपका अकाउंट। तो कैसे होगा फिर, अब नहीं होगा, होगा कैसे? और फिर वो क्या करेंगे, तो RBI का रजिस्टर नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। तो वही है, कॉल मैसेज करेगा तो आप बोलिएगा कि अकाउंट मतलब कि नहीं शो कर रहा है, भरने का तो भर देते लेकिन अकाउंट नहीं शो कर रहा, तब कहाँ से भरे? हाँ, नहीं मतलब कैसे करके वो अकाउंट आएगा, ये इसके नहीं इसमें कैसे आएगा, नहीं होगा। नहीं आएगा। अच्छा तो अब क्या करना पड़ेगा फिर। बस कुछ नहीं करना पड़ेगा, छोड़ दीजिए, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। नहीं RBI रजिस्टर ना, इसीलिए थोड़ा डर लग रहा है। नहीं तो आपका अकाउंट अब बंद हो गया तो आप क्या कीजिएगा, आप ही बताइए, इसमें डरने वाली क्या बात है? तो नहीं सामने से ना बंद किया है, आप थोड़ा ना बंद किया, वो तो सामने से बंद किया है, उसमें प्रॉब्लम हाँ नहीं क्या है? मोबाइल रिसेट मान रिसेट में रिसेट किया, फिर से वही नंबर मार रहे, फिर ईमेल भी भेज दिया, लेकिन हो ही नहीं रहा है। नहीं तो अकाउंट उस पर से रिमूव कर दिया, वो आपका गलती नहीं, वो मोबाइल रिसेट करने थोड़ा ना होगा। मोबाइल एक बार अकाउंट बंद गया, मोबाइल नंबर डालिएगा तो OTP आएगा, OTP डालने के बाद अकाउंट में लॉग इन हो गएगा, तो अकाउंट आपका शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब अकाउंट मतलब कि हट गया वहां से। हाँ भाई, तो और मारने के बाद डायरेक्ट ऑफर ऑफर दिखा रहा है, फिर से ऑफर, अच्छा, मतलब क्या गेट गेट ऑफर दिखा रहा है, लेकिन KYC भरने के बाद बोल रहा है योर पान इज प्रोवाइडेड ए लोन, ऐसे लिख रहा है। नहीं तो अकाउंट आपका रिमूव हो गया, समझ गए, उसमें से रिमूव कर दिया, तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, क्या टेंशन है? नहीं फिर वही RBI रजिस्टर ना, कैश वगैरह होगा, तो इसलिए फिर केस कहां से हो से निकला, जाएगा? फिर ऐसे गिरा। क्या बोले सर, तो केस कहां से हो जाएगा? लीगल एक्शन नहीं लेता है तो बोले केस तो कहां से हो जाएगा, आप बताइए। मनीभू का कोई लीगल एक्शन नहीं होता है, नहीं होता है, और रिकवरी एजेंट है ये सब घर में इसका खड़े वही है कि होंगे ना। रिकवरी एजेंट आएगा तो क्या मतलब कि आपका अकाउंट मतलब वो सामने से बंद किया है, तो रिकवरी एजेंट से हमको क्या मतलब है, आप बताइए। हाँ, तो रिकवरी एजेंट आएंगे तो उनको दिखाइएगा नहीं कि हमारा अकाउंट मतलब कि सामने से आप लोग बंद किए हैं, तो अब हम क्या उसमें करें? आप अच्छा ठीक मेल उल कीजिए, मेल किए कि है, नहीं क्या किए? बोले सर। नहीं जीमेल किए, मेल किए उसके पास, मनी व्यू के पास मनीभी के पास मेल करना पड़ेगा। मेल कीजिए एक बार। कैसे करना, कैसे करना है, जिस नंबर पे लॉग इन हुआ था वही नंबर पे। हाँ, मेल कीजिए, ईमेल अच्छा आईडी देखिए एप्लीकेशन में होगा, उसी से मेल कीजिए आप। और क्या बोल रहे थे सर, मेरा जो जीमेल डिलीट किया था वो तो रिकवर नहीं होगा ना। और नहीं होगा, अब सामने से डिलीट हाँ किए तो भाई रिकवर नहीं होगा। भाई बोल रहा, चलिए, ठीक है और ना? सर और कॉल कॉल की मैसेज किसी को भी नहीं गया और आया भी नहीं सर किसी के, मतलब मेरे पास भी कॉल और मैसेज, अब दोपहर से मैंने सिम डाला है, लेकिन मैसेज कॉल कोई कुछ भी नहीं आया।
वो जो रूपी पॉकेट का बोल रहा हूँ सर। रूपी पॉकेट, हाँ जो आपको बोला था ना जो फ्रॉड एप्लीकेशन के बारे में। हाँ। अच्छा तो उसको इग्नोर करते रहिए, समझ गए, कॉल मैसेज आता है तो उसको इग्नोर कीजिए, पैसा उसका तेरा नहीं है। कौन सा रुपी पॉकेट का? हाँ। नहीं वो नहीं आ रहा है ना सर। अच्छा अच्छा चलिए तो ठीक है, वो तो बढ़िया बात है, नहीं आ रहा है तो। हाँ वही बोल रहा हूँ। और इसका ही मुझे दिक्कत है तो मैंने क्रेडिट भी ट्राई किया, क्रेडिट भी हो गया, मतलब एक और भरना है, अब हो गया क्रेडिट भी हो गया, और ये ही नहीं हो रहा है। मैंने दो से लिया था और ये भी नहीं हो रहा है, इसलिए मैं सोचा आपको बोलो। नहीं तो अकाउंट उसमें से आपका रिमूव कर दिया है, समझ गए, सामने से वो रिमूव किया है, आपका कोई गलती इसमें नहीं है। आपका तो कोई गलती नहीं, वो सामने से रिमूव किया है ना। अगर वो बोलेंगे तो पे करने के तो ये फोन पे होता है। ना वो सब पे मत कीजिएगा, जीमेल आईडी से आप पे मत कीजिए, जब तक एप्लीकेशन में नहीं शो होगा तब तक हम नहीं पे करेंगे, बोलिएगा। एप्लीकेशन अच्छा। से आपको पेमेंट नहीं करना, एप्लीकेशन से पेमेंट कीजिएगा तो फंस जाइएगा। नहीं बोले कि मतलब कि लिंक से पेमेंट मत कीजिएगा, एप्लीकेशन से पेमेंट कीजिएगा। नहीं लिंक नहीं, अब जो फोन पे में लोन रिपेमेंट आता है ना उसमें नहीं होगा, हो सकता है उसमें। अगर ये आरबीआई रजिस्टर होगा तो वही में होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही बोल रहा हूँ सर। चलिए ठीक है तब, और उसके ओके ठीक है सर, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों बात विचार पर हो गया तो थोड़ा जल्दी जल्दी हमको बात करना पड़ता है, कहाँ से कि काफी लोग मतलब कि छूट जाते हैं और मतलब कि क्या होता है। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? भाई हाँ परेशान हो गए यार, सुनिए मेरी बात। बोलिए मान लीजिए मैं लोन नाउ ऐप से मतलब अप्लाई किया था, उसमें सारे डॉक्यूमेंट लगे थे तो मतलब आ गया था अकाउंट में, लेकिन एक कैश गाइड एप्लीकेशन था उसमें मैं बस ट्राई कर रहा था, उसमें मान लीजिए मोबाइल नंबर और ओटीपी डाल के रजिस्टर करा, तो उसके बाद अप्लाई पे क्लिक किया, उसमें बिना कोई डॉक्यूमेंट लगा ना कोई अकाउंट नंबर, तो वो भी पैसा अकाउंट में आ गया। आप क्या कह रहे हैं भैया? कौन सा एप्लीकेशन है? कैश गाइड। तो वो फ्रॉड एप्लीकेशन है ना? वो नहीं कह रहे हैं, तो मतलब वो बिना डॉक्यूमेंट बिना अकाउंट नंबर के पैसे अकाउंट में कैसे आ गए? तो मोबाइल नंबर से आपका रजिस्टर्ड होगा पहले से? हाँ पता नहीं यार भैया, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, कैसे वो ना कोई इसमें तो पैसा आ गया तो बढ़िया है ना, फ्रॉड एप्लीकेशन से पैसा आ गया तो बढ़िया है। हाँ। नहीं मान लीजिए अभी फोन नहीं आया, कछवा दिन हो गया एप्लीकेशन का, वही परेशान हो गए थे कल रात से आपके पास कॉल कर रहे थे। तो मतलब ये पता, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, बिना अकाउंट नंबर दिए इसका पैसा अकाउंट में कैसे आ गया भैया? तो चलिए आ गया तो बढ़िया है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, फ्रॉड एप्लीकेशन से पैसा आ गया तो बढ़िया है। और मान लीजिए अब दिमाग इसमें क्या लगाना है आपका, जैसे भी दिया आ गया ना पैसा, काम खत्म। नहीं मतलब ऐसे दिक्कत नहीं होगा कि अकाउंट से काट लेंगे? नहीं अकाउंट से नहीं कटेगा। हाँ जब तक वो आप परमिशन नहीं दीजिएगा तब तक नहीं कटेगा इधर से। मान लीजिए एएम पॉकेट से ये मतलब अटैच तो नहीं ना होगा ये सब? ना। अच्छा तो वही मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अकाउंट नंबर नहीं दिए तो अकाउंट में पैसे कैसे क्रेडिट हो गए। हाँ। बस जानते हैं क्या क्या है, फेसबुक पे दिखा रहा था ऐड ना, तो मतलब हम भी सोचे मतलब लोन नाउ के बाद कैश गाइड वाला एप्लीकेशन देखे, तो उसमें मतलब मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाला, फिर ओटीपी डाल के साइन अप कर दिया, मतलब हो गया लॉगिन, फिर उसके बाद अप्लाई पे क्लिक किया, फिर वहाँ पे 7 डेज आया, फिर मैं सोचा कि क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे ना कोई डॉक्यूमेंट लगा है, हो सकता है फर्जी है मतलब पैसा चला है, उसको सबमिट कर दिया, फिर 1 घंटे बाद मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए, पता नहीं हम सोचे कि बैंक अकाउंट दिए ही नहीं है, पता नहीं कैसे आ गया। नहीं तो पैसा आ गया तो बढ़िया है, छोड़ दीजिए, आ गया तो रखे रहिए, उसमें दिमाग लगाने वाली कोई यहाँ पर बात नहीं है। नहीं बस दिक्कत ये हो रहा है ना कि मतलब कुछ इनकम प्रूफ दिए हैं, जैसे आईडी नहीं दिए हैं फिर भी आ गया पैसा, ये कैसे? जरूरी थोड़ी ना आईडी प्रूफ देंगे, अब आपका मतलब कि लॉगिन पहले से मतलब कि रजिस्टर होगा बैंक में, वो नंबर रजिस्टर होगा बैंक में तो उसी थ्रू आया पैसा।
हाँ, नंबर पंचायत में जो नंबर दिए तो बैंक में है, रजिस्टर है। हाँ तो तभी ना, ऐसा कैसे आ जाएगा, वही तो भेजा होगा पैसा ही। जब तक रजिस्टर नहीं रहेगा तो कैसे पैसा आएगा बताइए। अरे जैसे मान लीजिए हम ये बस कंफ्यूज हैं कि और कोई एप्लीकेशन में मतलब डालते हैं तो वहाँ पे मानता आपका पैन आधार अकाउंट। जरूरी नहीं है कि मतलब कि एप्लीकेशन मांगे ही है, नहीं भी मांगता है, समझ गए, जरूरी नहीं है। वही मैं कंफ्यूज हो गया था। ठीक है भैया, बस यही मदद चाहिए थी। ठीक है। तो इनके अकाउंट में पैसा आ गया, यहाँ पर रिंग से इतना बाकी, चलिए कॉल यहाँ पर लगाते हैं। तो इनके अकाउंट में मतलब कि पैसा आ गया वही फ्रॉड एप्लीकेशन से, तो बोल रहे थे कैसे आया। जरूरी नहीं है कि भाई डॉक्यूमेंट डाले, पैन कार्ड डाले, आधार कार्ड डाले, तभी आप पैसा आए। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ भैया बोलिए बोलिए। अरे मैंने ना रिंग ऐप से लोन लिया था। अच्छा, और मतलब 1.5 महीना हो गया है, 2100 रुपये लिए थे मैंने सिर्फ। और आज उसके एजेंट का फोन फोन आ रहे थे बीच में, लेकिन मैंने इग्नोर किया। आज किसी मतलब कि जिस गांव में मैं रहता हूँ उसी गांव से फोन आया और कहने लगे कि भाई आपके 5500 रुपए हुए और मुझे अभी के अभी चाहिए। कितना दिन हुआ ये? हाँ कितना दिन हुआ? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना? हाँ। अच्छा, तो 1.5 महीने में मतलब कितना ज्यादा कर दिया, यही ना? हाँ। तो इसका क्या है, तोड़ क्या होगा? वही है कि मतलब कि नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो सिविल स्कोर खराब हो जाएगा और लीगल एक्शन कुछ नहीं ले सकते हैं। लीगल एक्शन तो नहीं होता है, एनबीएफसी है ना, प्राइवेट है, तो लीगल एक्शन नहीं हो सकता है। वही है, कॉल मैसेज करेगा आपको, डराएगा, धमकाएगा, घर पर आ जाएंगे एजेंट के थ्रू, यही करता रहेगा। अच्छा, यही करेगा ना? बस यही करेगा और कुछ नहीं कर सकता है। अगर मैं उसको बोलू कि भाई अगर तूने मैंने तेरे से 3100 रुपए ली, वो मैं तुझे वापस कर देता हूँ। नहीं तो नहीं लेगा, वो ड्यूज के साथ पैसा लेता है, समझ गए? तो ड्यू मैं नहीं देता, अगर मैं उससे बोलूं तो वो ले लेगा? नहीं लेगा, वो ड्यूज के साथ पैसा लेते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं लेते हैं। अच्छा भैया। मैंने YouTube पे वीडियो देखा तो आपका, तो मुझे बताया कि स्टाफ आईडी पे बैक मैसेज कर, इसलिए मैंने मैसेज किया था। ठीक है, कोई नहीं ना। ठीक है। तो रिंग एप्लीकेशन से इनका लोन था, मतलब कि बोल रहे थे 1.5 महीने हो गया, इतना पैसा था और इतना कर दिया। तो यहाँ पर सुने, यहाँ पर कॉन्वर्सेशन, और रिकवरी एजेंट बोल रहा है कि हम आपके घर पर आ जाएंगे। तो देखिए, रिंग एप्लीकेशन और एम पॉकेट जो ये दोनों एप्लीकेशन है, काफी लोगों का मतलब कि हरासमेंट मतलब करने का ये काम आजकल कर रहे हैं। कैंडी कैश एप्लीकेशन डाउनलोड किया था 7 दिन वाला है, क्या गैलरी एक्सेस कर सकते हैं? चलिए हम लगाते हैं कॉल। तो भाई आपको बता देना चाहता हूँ, गैलरी एक्सेस नहीं करता है, कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन है गैलरी एक्सेस नहीं करता है। वही है, आपको कॉल मैसेज करेगा, हरासमेंट करेगा, जो आपका सेल्फी वाला फोटो है उसी को एडिट कर मतलब कि भेजेगा कॉन्टेक्ट लिस्ट पर, जिसका नाम आप रिस्पेक्टफुली सेव किए हैं उसी नंबर पर भेजेगा। जैसे मम्मी पापा सिस्टर ब्रदर के नाम पर ऐसे रहता है ना, उन्हीं पर समझिए भेजेगा, और भेजने का काम कर आपको डराएगा धमकाएगा, और मतलब कि जिसका नाम आप रिस्पेक्टफुली सेव किया है वो ऐसे ही मतलब लिस्ट बनाकर पीडीएफ बनाकर आप पर भेजता है, बोलता है कि इन इन का नंबर है हमारे पास, बोलिए तो भेज दे, नहीं पैसा दीजिएगा तो। उसी के चक्कर में आप पैसा दे देते हैं, काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, तो क्या होता है पैसा देने के बाद भी और ज़्यादा ब्लैकमेल करने लगते हैं। वो तो समझ जाते हैं कि ये तो डर गया, ये तो इसको ब्लैकमेल करने के बाद डर गया, चलो और डराया जाए और इसको उससे और पैसा मतलब कि लिया जाए। तो यही रीजन होती है कि आप पैसा देने के बाद भी ब्लैकमेल होते रहते हैं। काफी लोग का यहाँ पर मतलब क्या आती है, वीडियो हम काफी बनाकर रखे हैं, यदि आप देखना चाहते हो वो सब वीडियो, तो आप लग रहा होगा कि हमारे पास एक ही वीडियो है, कोई एक वीडियो देख लिया तो आपको लग रहा हो कि एक ही वीडियो हम बनाए हैं, ऐसा बात नहीं है। आप वीडियो देखना चाहते हैं तो जाइए यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाने के बाद फ्रॉड एप्लीकेशन के नाम से है, समझ गए, फ्रॉड एप्लीकेशन के नाम से। न्यू बजाज कार्ड का कितने लिमिट आती है अगर फोन बाई करना हो तो? यहाँ पर कितना लिमिट आती है भाई? 10,000 आती है, उससे ज़्यादा तो आता नहीं है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर भाई, यहाँ पर ड्यूज हो जाएगा, पेरेंट्स को फोन करेगा, पॉकेटली यहाँ पर कॉल लगाते हैं।
तो यही करता है सब, समझ गए। डेढ़ डेढ़ महीना से काफी लोग मतलब कि ब्लैकमेल हो रहे हैं, काफी लोग पैसा दे रहे हैं, पैसा देने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं भाई आपको रिपेमेंट करने की जरूरत नहीं है, रिपेमेंट कर दीजिएगा तो आप बुरा यहाँ पर फंसिएगा, समझ गए। बहुत ज्यादा आप स्टीम लेवल पर फंसिएगा और ज्यादा आपको हरासमेंट करने का काम वो लोग करेंगे, इसीलिए रिपेमेंट आपको नहीं करना चाहिए। फ्रॉड एप्लीकेशन का कोई भी एप्लीकेशन फ्रॉड एप्लीकेशन है, आपको रिपेमेंट यहाँ पर नहीं करना चाहिए। थ्री मंथ से पेंडिंग है अब, इसलिए यहाँ पर ज्यादा लेट हुआ, थ्री मंथ से पैसे हैं तो रिपेमेंट कर दो, पैसे हैं तो भाई रिपेमेंट यहाँ पर कर दीजिए। हम तो बताते हैं जिनके पास पैसा नहीं है चाहे बाद में पैसा देने वाले हैं, क्या होता है देखिए, होता क्या है ना, एनबीएफसी एप्लीकेशन से आप लोन ले लिए, देखिए लोन क्यों व्यक्ति कुछ लेता है, मान लीजिए घटता है पैसा या मतलब कि कुछ आपको जरूरी मतलब कि कोई प्रोडक्ट आपको बाय करनी पड़ती है, कपड़ा हो गया चाहे कुछ भी हो गया, कुछ भी घटता है तो बाय करनी पड़ती है, तो उसमें होता क्या है कि पैसा नहीं रहता है तो घट गया पैसा, हम बाय कर लिए, हमको नीड है तो भाई बाय कर लिए। चलिए कॉल उठाते हैं। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ बोलिए। बोल रहे थे भैया, प्रॉब्लम ये हुआ ना कि वो कैंडी कैसे मैंने लोन लिया, लोन लिया भी नहीं, बस ट्राई कर रहा था, अकाउंट नंबर की गलत डाला गया मेरे से, तो हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, सेवन डेज होने के बाद वो ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया वगैरह वगैरह। आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है? नहीं, बिना पैसा दिए हुए ब्लैकमेल कर रहा है सब। अच्छा, ये चीज हो गया, बिना पैसा दिए ब्लैकमेल कर रहा था, तो हम तो फोन सब स्विच ऑफ कर दिए, व्हाट्सएप डिलीट कर दिए। बोलिए एक बार, फोन कर रहा है तो बोलिए कि पैसा दे दो तो ब्लैकमेल करोगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ थोड़ा हम डरते, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो लोग और ज्यादा नहीं डरेंगे, दिए रहते तो लोग डरते। ब्लैकमेल कर रहा था तो हम स्विच ऑफ कर दिए, बस यही हमको जानना था कि गैलरी एक्सेस नहीं रह गया। ना ना, गैलरी एक्सेस नहीं करता है, करता क्या है कि मान लीजिए देखिए फ्रॉड एप्लीकेशन में होता क्या, मान लीजिए कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन डाउनलोड की है, तो कितना लोगों को सवाल होता है कि पैन कार्ड आधार कार्ड हम नहीं डाले तब पर भी हमारे अकाउंट में पैसा आ गया, तो पैसा आता कैसे है कि उस नंबर से बैंक में रजिस्टर होता है, समझ गए। अच्छा, तो उसी थ्रू पैसा अकाउंट में दे देता है, लोगों को लगता है कि आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं डाले हैं पैसा कैसे आ गया, तो बैंक में रजिस्टर है नंबर और उसके बाद ये कॉन्टेक्ट लिस्ट एक्सेस करता है, समझ गए। कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक कर लेता है, वो हैक कर लेगा जिसका नाम आप रिस्पेक्टफुली सेव किए हैं, उनका पीडीएफ बनाकर आप पर भेजेगा, बोलेगा कि पैसा दे दो नहीं तो भेज देंगे, जो आपका सेल्फी वाला फोटो है। ना 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 ना, हम चाहते हैं कि आए मेरे से लड़ने के लिए। हाँ आए मुझसे लड़ने के लिए, सब माँ बहन एक करते हैं। हाँ, हम तो चाहते हैं हमसे आए मेरे लिए, मगर करेगा ही नहीं, वही बात है। नहीं तो कंप्लेन उम्प्लेन भी करना पड़ेगा हमको, कुछ करेंगे आप छोड़ दो। नहीं ना, कंप्लेन करने से कोई फायदा है नहीं ना, इसका ये काम कीजिए कि ट्विटर पर आप ट्वीट कीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, समझ गए। अच्छा, ट्विटर पर ट्वीट कीजिए कि मतलब कि साइबर को भी टैग कर दीजिएगा, आपका जो लोकल थाना है उसको भी टैग कीजिएगा, आरबीआई हाँ स्टोर से उसको भी बोले कि आपके आपके स्टोर में ये गलत ऐप है, आप इसको डिलीट कीजिए वगैरह वगैरह। और ट्रैवल ग्राइव में भी स्पीच किए वगैरह वगैरह सब कुछ किए, यही टेंशन में थे तो आता कि गैलरी एक्सेस में आ गया होगा। बस ना ना ना, गैलरी वैलरी कुछ नहीं जाता है, केवल आपका कॉन्टेक्ट। देखिए गैलरी जाएगा तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना, देखिए गैलरी यदि जाने लगेगा ना तो यहाँ पर हमसे लोग बात नहीं करेंगे, समझ गए। इतना देर चाहे वीडियो देखने का यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा कि चलिए अब यूट्यूब पर सर्च कर ले या वीडियो देखे, बस क्या करेंगे, दो मंजिला छत होगा चाहे तीन मंजिला पांच मंजिला होगा,
छत के ऊपर जाएंगे बिना बताए और वहीं से मतलब कि नीचे कूद जाएंगे, समझ गया ना? सही बात। हाँ तो यही होगा। क्या हुआ ना कि मेरी गर्लफ्रेंड के फोन से हम कर दिए साला, पूरा गर्लफ्रेंड का पूरा एक्सेस उसके पास कॉन्टेक्ट है। तो इसीलिए और थोड़ा डर था, और कोई बात नहीं। तो गैलरी नहीं जाता, गैलरी जाने लगेगा तो समझ रहे हैं ना। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप सभी लोग को बता देना चाहता हूँ, गैलरी वैलरी कुछ जाती नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है, समझ गए? गैलरी यदि जाने लगेगी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, वो हमसे लोग शेयर नहीं करेंगे। ये मत समझिए कि आकर मतलब कि आधा घंटा बैठ कर लोग हमारा वीडियो देखेंगे, आधा घंटा उनके पास टाइम ही नहीं रहेगा, क्योंकि भाई सुसाइड जो करनी है, क्योंकि छत से नीचे छलांग लगानी है, तो आधा घंटा उनके पास टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि आधा घंटा टाइम दे दिए तो इधर का वीडियो उधर, उधर का वीडियो मतलब कि उधर उधर मतलब कि हो जाएगा। आप क्या बोल रहे हैं आप सब लोग को मतलब कि पता होगी। तो चलिए और कोई बात नहीं, यहाँ पर तो गैलरी एक्सेस नहीं होती है, यही बहुत बड़ा शुक्र मनाइए। कॉन्टेक्ट लिस्ट हो जाए तो भाई क्या है, लोगों को हम बता देंगे फोन हैक हो चुका है, समझ गए? फोन हैक हो चुका है तो ऐसे ही AI मतलब कि आ रहा है, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में मतलब कि चल रहा है, किसका किसका फोटो एडिट हो जा रहा है, आप भी लगा दीजिए कि एडिटेड है, कोई होगा, कोई हमारा दुश्मन होगा, चाहे कोई दोस्त जल रहा था तो उसी पर नाम लगा दीजिए, वही है, वही किया होगा, समझ रहे हैं? घर में लगा दीजिए नाम, काम खत्म हो गया, वही हैक करवाया होगा, चाहे लिंक पर क्लिक कर दिया है, बहाना हजार है भाई। जो लोग गलती करता है तो वो बहाना बनाने में मतलब कि टाइम ही नहीं लगाता है, वो तो झूठ मूठ का बोल देगा कि भाई हो गया ऐसे, वायरल हो गया था, वो कर दिया, जबकि खुद ही वायरल करता है सब, बता देना चाहता हूँ। ये जब जितना का वीडियो वायरल होता है ये खुद ही वायरल करेगा सब फेमस होने के लिए, अब बाद में रोना रोएगा सब कि वायरल हो गया, अब हम क्या करें, ये है वो है, बताइए, यही तो हाल है यहाँ पर। जो लोग सच में बढ़िया है आदमी, वही लोग डर रहे हैं, बोल रहे हैं कि गैलरी हैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, कॉन्टेक्ट लिस्ट केवल हैक होने पर लोग डर रहे हैं, और जो लोग खुद अपना वीडियो वायरल कर रहे हैं वो उनका कोई शर्म लिहाज है ये नहीं है, तो अब क्या हम बोले। चलिए यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, तब तक की नहीं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।